जय श्री राम दोस्तों, आज हम पिपरिया के लिए निकल गए हैं और इसमें हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए जो हमें पिपरिया तक लेके जाएगा। पिपरिया से आगे हमें फिर 2 घंटे का रास्ता है और आ चुकी है श्री धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जबलपुर जो जाएगी निजामुद्दीन से चलेगी और हमने इसकी 2nd class AC की टिकट करा रखी है। ये हम हैं और ये हमारे बच्चे हैं और हम मट्टी खा रहे हैं। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो ओए जागो। स्टेशन आने वाला है, अरे इनको क्या हो गया, जोश में आ गए। फाइनली 5:12 पर हम पिपरिया पहुंच गए हैं। 5:08 पे पहुंचना था, 4 मिनट लेट है और यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट रुकती है। अभी हम पिपरिया के स्टेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ से हम एक गाड़ी कर रहे हैं डिजायर, जिसका किराया 500 रुपये, जो 600 रुपये बोला था लेकिन मुझे अच्छा लगा 500 रुपये में, क्योंकि बस से अगर जाते तो 80 रुपये सवारी लेते हैं और हम इसमें 2 बड़े और 2 बच्चे हैं। अब हम पिपरिया से पंचमणि बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। बस स्टैंड के आसपास हमें 100 होटल से ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पर हमें रूम 700 रुपये से लेकर 4000 के बीच में मिल जाएगा। अपने बजट के अकॉर्डिंग हम अपना एक रूम ले सकते हैं और अगर हम टाइम थोड़ा ज़्यादा देंगे तो हमें कम बजट में अच्छा रूम मिल जाएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर वीकेंड होता है और यहाँ पर इन होटलों के इन रूम्स के दाम बढ़ जाते हैं, इसीलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। आप थोड़ा टाइम दोगे तो आपको कम बजट में अच्छा रूम मिल जाएगा। होटल में रेस्ट करने के बाद अब हम जटाशंकर मंदिर जाएंगे जो बस स्टैंड से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, जिसे हम वॉकिंग डिस्टेंस से पूरा करेंगे, जिसमें हमें टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट। अब हम अपने पहले पॉइंट आई लव पंचमणि कैंट पहुंच गए हैं, जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी और ये सामने का जो रास्ता है वो जटाशंकर मंदिर की तरफ जाता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बना रहा हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाथमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। ये सामने में देखेंगे तो जीव जंतु का नेटवर्क का फ्रिज नजर आता है, हमें दिखाई देता है। ये 15 फीट का नेटवर्क मगरमच्छ बना है, जिसकी बॉडी के ऊपर 108 नेटवर्क सेटिंग बना हुआ है। कुछ रखी मगरमच्छ के भस्मासुर नाम के राक्षस ने तपस्या करके उसको जन्म दिया था और 10 करोड़ का मंगा था कि मैं जिसके साथ अंतिम भक्त, तो भगवान दयाल के बिना पूछे समझे उस राक्षस को वरदान दे दिया। तो उस राक्षस ने ये सोचा कि मैं त्रिलोक का स्वामी बन जाता हूँ, सर के ऊपर हाथ रखे भस्म कर देता हूँ। तो कहा जाता है कि राक्षस ने भगवान के सर के ऊपर हाथ रखने की कोशिश किया है, तो भगवान शंकर कैलाश से होते हुए इस गुफा में मगरमच्छ का रूप धारण कर दिया। उस राक्षस ने पीछा करते हुए पहचान लिया कि बाबा ने रूप बदल लिया है, तो बाबा ने अपना रूप बदल लेकिन उस राक्षस की वजह से अपनी जो विशाल जटा है उसने मार दिया और जटाओं ने गुफा में त्याग कर दिया, काट दिया। जो जटाएं इस गुफा में बाबा की गिरी है उस शिवलिंग की पिंडी आप देख रहे हैं जमीन में से प्रकट हो गई है। कुछ यहाँ पत्थर की देखते हैं आप लोग, कुछ अगर आपको मानवा भी देखो तो मिलेगी वो पहचान मतलब पहचान जाता है कि बाबा ने रूप बदल लिया है। तो बाबा ने अपना गेटअप चेंज करने के लिए राक्षस की वजह से अपनी जो जटा होती है उस जटाओं का यहाँ पे त्याग कर दिया है, गुफा में काट दिया है। जो जटाएं गुफा में जहाँ जहाँ गिरी वो शिवलिंग के आकार में प्रकट हो गई है जमीन से, ये जो पत्थर की देखते हैं आप कभी, कुछ आगे आपको मार्बल्स की देखने को मिलेगी जो बाबा की जटा है गुफा में गिरी, उस वजह से मंदिर का नाम जटा शंकर हो गया है। मंदिर जिस गुफा के अंदर आप लोग खड़े हुए हैं ये शेषनाग मुख के अंदर खड़े हुए हैं, जो कदम पीछे से और देखेंगे हमको शेषनाग के, मैं आपको फल भी बताता हूँ और डांट भी बताता हूँ। ये देखेंगे ये मंदिर से ऊपर दिखाई दे रहा है शेषनाग, शेषनाग शेषनाग ये बेटा देखिए दांत है दोनों साइड, ये भी देखिए ये भी देखिए दांत और वो देख शेषनाग ऊपर से देखा ना वो दांत है उनका मुंह है। और जो सर जो मेन मंदिर जटा शंकर आप लोग देखने आए हैं दर्शन करने आए हैं वो आगे है, और जो सिंदूर कलर का जो पेंट आप लोग ऊपर देख रहे हैं वो शेषनाग का नहीं है, वो बाबा की जटाएं उन जटाओं के नीचे मैन सिंदूर रखा हुआ है, मैन मंदिर बना है। और जो भी हमारे ऊपर काल सात लोग होते हैं जो मैन होते हैं वो बिना मंदिर के दर्शन करने से दूर हो जाते हैं, और जो भी हमारी जैसे सूची है उनका
इस मंदिर से मांगने पर बहुत शॉर्ट टर्म में पूरी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में पत्थर को तराटा हुआ सबसे बड़ा प्रतिमा हनुमान जी का स्थापित है, और जब राम भगवान श्रीलंका गए थे उस दिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था। वो पानी में तैरने वाला पत्थर इस मंदिर में रखा हुआ है, पानी की टंकी में है, जिसे आप लोग उठाकर भी देखेंगे और डुबाकर भी देखेंगे। ये देखो गाइज, ये बच्चा पोटी कर रहा है यहाँ पर। ये पोटी करने की जगह है? आप पोटी करने आए यहाँ पर हैं? क्यों बैठे हो यहाँ पर? पानी लाए हो अपना? पानी लाए हो आप अपना? वहाँ रखा है तो ये पोटी करने की जगह है। चलो खड़े हो जाओ। ये आपका बच्चा है? ये बच्चा आपका है? नहीं, ये दिखा था हमें थोड़ी देर पहले। ये आपका बच्चा वहाँ पोटी कर रहा था? ये अपनी जानते से ये पोटी कर रहा था ये बच्चा आपका? जैसे उसका बच्चा वो देखो, आपने कहीं भी छोड़ देते इसे? नहीं, उसका बच्चा वो देखो, वो डोगी है जो। दूसरे दिन के लिए हमने होटल में ही 3 नंबर रूट डिसाइड कर लिया था, क्योंकि इसमें बीफोर, रिचगढ़, धूपगढ़ मुख्य पॉइंट थे। इसके लिए बायसन राज जाएंगे जो बस स्टैंड से करीब 1.8 किलोमीटर दूर है। इसके लिए हम मॉर्निंग में 9 बजे ही निकल जाएंगे। एक जीप में 6 पैसेंजर जा सकते हैं। जीप के अलावा और भी कई ऑप्शन हैं जो बोर्ड पर लिखे हैं। सैटरडे संडे जीप का चार्ज ज़्यादा होता है। परी और विजय हस्बैंड वाइफ के साथ हमने शेयरिंग करी, जो इंदौर से पंचमढ़ी घूमने आए थे। उनके साथ सफ़र काफ़ी दोस्ताना हो गया, मानो हम सालों से एक दूसरे को जानते थे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, राज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की छान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उदार दो। ये बंद क्यों कर रहे हो? लोग अंदर नाम लिखते हैं। आरंभ है प्रचंड, प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। पांडव गुफा के बाद अब हम मिनी बीफोल और बीफोल की तरफ जा रहे हैं। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी, गाय
सी है बी पोल, ये बहुत बड़ा है, इसी में हम नहाएंगे अभी। डी फॉल के बाद अब हम अपने तीसरे पॉइंट रीचगढ़ की तरफ जा रहे हैं। उतरे मुझ में आदि योगी, कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो। मम्मी आराम से आएगी आएगी, थोड़ा तेज। ठाकुर भागो प्रताप, रौनक ठीक से रौनक आई आई आप रीति तेरी बारी। हाँ रौनक पलंगोटे आला सू। हमारे रूट के एक पॉइंट पैरासेलिंग को इन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि वहां कुछ काम चल रहा है। अब हम रीचगढ़ से अपने अगले पॉइंट धूपगढ़ की तरफ जा रहे हैं। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और धूपगढ़ पहुंच गए। और धूपगढ़ में यहाँ के बंदर बड़े शैतान हैं। ये देखो एक आपको दिखाता हूँ, डंडी तो दो। तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तू खुद बंदर है यार। तो बंदर को बंदर जो कहते हैं उसके इलाके में आ जाते हैं ना जब, इसीलिए बंदरों को भगाने के लिए थोड़ा सा उनको दूर रखने के लिए डंडी का सहारा लेना पड़ेगा आपको। देखो सब जो कस्टमर है उनके साथ
दूसरे कस्टमर के साथ और उनको बता रहा हूं, उनको बता ही नहीं रहा। उनका शुभ नाम भी तो बताओ। विनोद चौधरी। अभी जाके उनसे कहते हैं विनोद जी, अरे विनोद जी सुनो सुनो, आप हमारे गार्ड हो किसके गार्ड हो पहले तो ये बताओ। नहीं गलत बात है, आप हमारी फोटो खींचो। धूपगढ़ में ये आपको कछुए की शेप में दिखेगा और यहाँ पर इनका कछुए का मुंह है और इसका खोल है। ये एक पहाड़ी है जिसका नाम नहीं पता क्या है, और वो स्नेक वाला रास्ता ये जो आपको दिख रहा होगा 1960 में बना था ये स्नेक वाला रास्ता। देखिए देखो ये भी स्नेक की तरह है। और यहाँ पर जो है यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है, अभी बंद करी हुई है, हेलीपैड बना रहे हैं। और वो आगे चोरागढ़ मंदिर देखो कितना हाइट पे है और कितना भव्य और सुंदर लग रहा है। ये देखो ये वाला, ये वाइट कलर का, ये और यहाँ पर चट्टान जो है, चट्टान के यहाँ झील है नीचे, यहाँ पर शेर चीते पानी पीने के लिए आते हैं। एक यहाँ पर ये खाई है, इसमें भी शेर चीते सबसे ज़्यादा आते हैं जो पानी पीने के लिए, और इन चट्टानों में शिलाजीत असली वाली मिलती है। और ये देखो आपको एक और दिखाऊंगा, जटायु जो रामायण के टाइम पे जटायु है, जटायु की शक्ल देखो यहाँ पर मिलेगी इस वाले पहाड़ में। अब ये कूदा डावा है, अब हम अपने लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट धूपगढ़ के सनसेट के लिए पहुंच चुके हैं, जो 4429 मीटर ऊंचा है। ये देखो एक बारी नज़ारा, अभी सनसेट में थोड़ा सा टाइम है और ये सब वेटिंग पे हैं, ये सब वेट कर रहे हैं अपने टाइम। ये वेटिंग वाला है जो पूरा भरा हुआ है खचाखच, कुछ अदृश्य है जो नज़र नहीं आ रहे हैं। सूर्यास्त के बाद हमारी आज की जर्नी यहीं समाप्त होती है। अब हम अपने होटल में वापस जाएंगे, जो जीप हमने हायर करी है वो हमें हमारे होटल पे छोड़ देगी। धूपगढ़ से अब हम वापस म्यूजियम जा रहे हैं, बाइसन म्यूजियम का होटल म्यूजियम है वो। ठंडी होने वाले, ठंडी बढ़ गई है। आज हम अपने पिछले दिन की शुरुआत बड़ा महादेव से कर रहे हैं, इसके बाद हम गोमती गुफा में जाएंगे और उसके बाद चोड़ाघर मंदिर में जाएंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्चीयमामृते। शिवजी को भस्म करने के लिए जब भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा था, तब विष्णु जी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी रूप धरा और उनके साथ नृत्य करा। तब भस्मासुर ने नृत्य करते हुए अपने सिर पे ही हाथ रखकर अपने आप को भस्म कर लिया। तो ये जो पानी वाला एरिया है, ये वही एरिया है जहाँ पर भस्मासुर भस्म हुआ था। भगवान अयम मे भगवत्तरः अयम मे विश्वभे एषजोऽयं शिवाभिमर्शनः येते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वान वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि
प्राणानां ग्रंथिरसि रुद्रो मा विशांतकः तेनान्नेना आप्यायस्व सदाशिवो हाय गाइस, अब हमारा ये सेकंड पड़ाव है बुक महादेव। उसके बाद हम चौरागढ़ के लिए चढ़ाई करेंगे, जिसकी हाइट अप्रोक्स 4 किलोमीटर के समथिंग में है। वो काफी टफ है। हम पानी लेके चले, हिम्मत लेके चले और भोले बाबा का नाम लेके चले। शकुनी पुत्र वरकासुर ने भोले बाबा को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, जिससे उसे भस्मासुर भी कहा जाता है। भस्मासुर की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो महादेव को ही भस्म करने चल दिया। महादेव अपने वरदान का मान रखते हुए अपना वरदान वापस ना लेकर भस्मासुर से भागना ही उचित समझा और सबसे पहले उन्होंने अपनी जटाओं का त्याग किया, जिसे आज जटाशंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने चौरागढ़ में अपना त्रिशूल त्यागा। उसके बाद गुफा में वो तपस्या करने चले गए, जिससे वो भस्मासुर की नजरों से बच सके, जिसे गुप्त महादेव के नाम से भी जाना जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम चौरागढ़ मंदिर जहाँ त्रिशूल छोड़ा था शिवजी ने, उस वहाँ पर प्रस्थान करा हुआ है हमने। गुप्त महादेव में हमने दर्शन कर लिए हैं, जहाँ पर महादेव जी गुप्त तरीके से उसमें छुपे थे। और ये देखने में ज़्यादा कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। इस पर धीरे धीरे थोड़ा ध्यान से आएंगे। पत्थर थोड़े हिल रहे हैं, देखो। तो जब भी पैर जमाओ तो अच्छे से पैर जमा के चलना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जाने में तो कुछ नहीं, वापस आने में दिक्कत आती है। कहीं यू टर्न ना लेना पड़े हमें बस। हाँ, अरे तो डंडा है ना हमारे पास। हाँ, डंडा क्या करेगा, चल क्या डंडे से तो अच्छे अच्छे डट देते हैं। यहाँ पर ना चौरागढ़ जाते हुए दो रास्ते हैं, एक तो ये ऊपर से जाता है, बीच बीच में आएगा ऐसे रास्ता आपका, एक कच्चा रास्ता है। कच्चे रास्ते का ये फायदा है कि जैसे सीढ़ी पे पैर हम नीचे रखते हैं तो उससे पैर दर्द करता है, इसमें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और थोड़ा इंजॉयमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप धीरे धीरे मस्ती से जाओगे। मंदिर के पहले पायदान पे पहुँचे हैं। ये यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, जो 1300 समथिंग में सीढ़ियाँ हैं, अब उसको स्टार्ट करेंगे। गाइस, 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें ये नींबू पानी वाले मिले भाई। ये 20 रुपये गिलास देते हैं, मटके का पानी होता है इसमें और अच्छा होता है काफ़ी। कुछ आपकी ज़रूरत भी है तो आपको और डबल टेबल उसका अच्छा स्वाद लगता है, तो इसीलिए कम से कम टेस्ट करने के लिए, नहीं तो आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी भी की बोतल भी ख़त्म हो जाती है प्रातः आते। अभी हमने पानी की बोतल और ली नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे अभी 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर आपके नल मिलेगा, तो नहीं तो जब तक हमें पानी साथ में लेकर चलना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जरा सा भी वजन उठाना मुश्किल होता है। यहाँ पर ये दो रास्ते आ जाते हैं, एक सीढ़ियों से और एक थोड़ा पथरीला रास्ता है। पथरीला रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन हम लंबे रास्ते को चुनेंगे क्योंकि वो आसान है। वापसी में हम सीढ़ियों से आएंगे। मुझे तो ऐसा रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है पथरीला, सीढ़ियों की बजाय। इंजॉय करते चलो, इधर नेचुरल ब्यूटी देखो, पूरा जंगल एरिया है। समय भक्तगण कम है क्योंकि नवरात्रे चले और 3-4 दिन बाद विजय दशमी है, तो जिस वजह से भक्तजन काफ़ी कम मात्रा में है। नहीं तो यहाँ पर अच्छी मात्रा में भक्तजन दिखते हैं। भैरव बाबा के त्रिशूल के दर्शन करते हैं यहाँ पर और वो अपनी मनोकामना मांगते हैं, और पूरी होने पर भी कई जने त्रिशूल चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये वाली पहाड़ी है। अभी रास्ता हमारा लगभग 40% हो गया। ये देखिए कैसे घना जंगल है, इसके बीच में से जाने का मजा ही अच्छा है।
बस एक माइनस पॉइंट है कि धूप तेज है, लेकिन अगर जब धूप नहीं होती, मौसम अच्छा हो, ठंडा हो, तो और मजा आएगा आपको। हर हर महादेव। तुम क्यों रुक गए यहाँ पर? हो रही है बहुत ज़्यादा, हवा भी तो ठंडी आ रही है। पानी। ये दो भाई मिले हैं, ये मंदिर जा रहे हैं ईंट लेकर। एक में कितनी ईंटें हैं? 10 ईंटें। और पूरे दिन में आप 3 चक्कर मारोगे? अच्छा, यानी 30 ईंटें ऊपर तक लेके जाएंगे। ये समतल एरिया से 30 ईंटें लेके जाएंगे ऊपर, और अभी देख लो 30 ईंटें एक लेबर लेके जाएगी। उसकी कीमत क्या हो जाती है ऊपर जाने के बाद? कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं, कोई कुछ नहीं। और चमत्कार भी है, ये भैरव बाबा का दूत ये हमारे साथ काफ़ी देर से है। हम जब रुकते हैं तो ये भी रुक जाता है, जब हम चलते हैं तो ये भी चलता है। अभी ये नीचे को चला गया था, लेकिन थोड़ी देर फिर हमारे साथ आ गया, और हम रुके तो ये भी रुक गया। अगर हम चलेंगे तो देखना ये भी चलने लग जाएगा। देखो देखना, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे इसे, ये देखो है ना। हाँ, हम बैठे हुए थे ना, तो ये रुक गया हमारी तरफ देख रहा कि हम चले, आगे चलो। हाँ हाँ, अभी आ रुके हैं, ये देखो अभी आगे नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, जब तक हम यहीं रहेंगे। आगे रुकेगा ये, यहीं जा करेगा। हाँ ये रुके, यहीं घूमता रहेगा। अब चलो ये भी चलेगा फिर आगे। ये वाकई वहाँ देखने लग गया हमें। हाँ वाह, अरे यहाँ तो ये सब नीचे जाते हैं, नीचे है ना, ये सब नीचे जाते हैं, नीचे है ना, पानी जो नीचे जाते हैं ना इकट्ठा होता है, झील बनी हुई है तो वहीं जाते सारे जानवर पानी पीने। ये देखो खन्ना जंगल कैसा है, सब लाइट लाइट सा दिख रहा है, जो अंदर चला जाए उसे दिखेगा ही नहीं अंदर कहाँ पर है। पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, ये सतपुड़ा का जंगल है, सबसे बड़ा जंगल। ये देखो आगे वो रुका हुआ है, भैरव बाबा का कुत्ता देखो आगे रुका हुआ है यहाँ। ये देखो, ये लगता है ये हमें एनर्जी देता है चलने के लिए। ये देखो आजा, ये देखो ये थोड़ा आगे जाता है फिर रुक जाता है। आएगा बेटे, आएगा वापस, आ जा, नहीं नहीं वो नहीं सका, वो हमारे लिए रुक जाता है बार बार। ये देखो घाटियाँ, कितनी सुंदर घाटियाँ। दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे वहाँ जंगली जंगल है। ये देखो यहाँ दो रास्ते आ गए, एक पक्की सीढ़ियों से और एक ये लोहे की सीढ़ियों से। ये देखिए ये आगे हमारे साथ साथ, इसे देख के एनर्जी आ जाती है ना। हाँ चलो चलो, ये देखो ये रुक गया। तो बड़ा बंदर छोटे बंदरों को आने नहीं दे रहा, कुछ खाने नहीं दे रहा यहाँ। उसे भगाने चक्कर में आगे छोटे वाले।
बड़े वाला गया छोटे सवा गए सब्सिडी स्टार्ट हो गई है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई अभी ये देखो भैरव बाबा साथ चल रहे। देखो हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाते हैं और आगे चले जाते हैं तो हमारे इंतजार करते हैं। देखो हाँ ये अच्छी जगह है। इसको जाने दो। अब हम सब थक चुके हैं यहाँ बैठे हुए। मैं तो नहीं थका। ये नहीं ये हमें दो जने एनर्जी दे रहे हैं, एक ये दे रहा है और एक ये दे रहा है। ये देखो बोल रहा है कि चलो ऊपर। हम ये सब हमारे ये दोनों इंतजार करते हैं, जब हम चलते हैं तभी चलते हैं। ये जैसे हम उठ के चलेंगे तो ये भी चलने लग जाएगा। अभी देखो हम बैठ गए थे, ये भी बैठ गया था, अब हम चलेंगे तो ये भी हमारे साथ चलेगा। चलो चलो सीधी देंगे हिम्मत। ये देखो जी ये सबका इंतजार। हाँ ये देखो ये देखो ये देख ले वो चलते कैसे चला गया वो है ना। बहुत तक तो कहीं और पहुंच जाता, दूर पहुंच भी जाता, दर्शन कर लेता। वो हमें लेके जा रहा है, पता है भोले बाबा ने भेजा है। हम कुछ खाने के लिए थोड़ी दे रहे दिया ना कुछ फिर। ये देख हम आज चले पहुंचे फिर चल दिया। मैं तो यही आऊंगा, तेरे को भी दिक्कत लगेगी उधर से। ये उलझने का डर रहता ना है क्या? ये धूपगढ़ का ही है वो कछुए की शेप का ये वाला। हाँ ये जो राउंड ये है ना मकान ये वाला ना। हाँ यही है, ये थोड़ा और पास से दिखाता हूँ। ये कछुए की शेप है, आगे की तरफ जो है ये मुंह आ जाता है और ये इसका खोल है ऊपर का, जो धूपगढ़ में देखा था हमने। अब 1/2 किलोमीटर और रह गया, यहाँ पर हम आंवला ले रहे हैं। आंवला से क्या क्या होता है, एनर्जी आती है। ये कितने का दिया, ये कितने आंवले, मतलब छोटे छोटे भी हैं इसमें, एक पत्ता कर भर के देंगे ये, और विटामिन सी भरपूर होता है इसमें। ये डेली आते हैं सुबह, और सुबह कितने बजे आते हो आप? अच्छा 7 बजे निकलते हो घर से, तो यहाँ का किस टाइम आ जाते हो? 9 बजे पहुँच जाते हो उधर। अच्छा 4 बजे तक आप बैठोगे, फिर उसके बाद फिर वापसी चल दोगे। अच्छा अच्छा, और जो 4 बजे के बाद जो उतरे होंगे उनके लिए? अच्छा फिर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ आगे पानी की व्यवस्था है, कैंटीन है ऊपर। अच्छा अच्छा, धूप तेज है लेकिन ठंडी हवा है काफी इधर। जय भोले बाबा की। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। ये हमारे साथ साथ चल रहे, देख लो जब से हमारे लिए रुक जाता वहीं। हाँ ये देखो, अब देखना अपने आप चले जाएगा, अपने आप उठेगा। देखिए अभी ये क्या ना, अब आपके पास ना सारा प्रसाद में सब चीज़ अच्छी है। त्रिशूल है मेन, तो त्रिशूल यहाँ पर चढ़ाया जाता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या है कि ये धूप बत्ती जो है ये बांस की लकड़ी से बनता है, और बांस जलाते हैं तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहरीला धुआं आता है उसका।
दूसरा हिंदू धर्म में ये विष्णु जी का वास होता है बांस के अंदर, तो उसको जलाया नहीं जाता, तो इसलिए धूप रखा करो, जोत रखो। आप दोगे, आप 2 रुपये, ये 5 रुपये, वो 10 रुपये का भी दोगे, लेंगे लोग। और आप बताओगे, आप ये भी रखो, इनको बताओगे भाई ये जलाने से ऐसे ऐसे होता है, ये हिंदू धर्म में नहीं जलाते, ठीक है ना। अब कहीं को तो पता ही नहीं होता, एक तरह से आप भी गुरु होते हो, आप हमें समझाते हो कि ये भी चढ़ाओ, यहाँ पर ये भी चढ़ाते हैं, आप कहोगे ये नहीं चढ़ाना, ये सही नहीं है, तो हम नहीं चढ़ाएंगे। तो थोड़ा सोचना इसके बारे में, धूप बत्ती को थोड़ा, धूप बत्ती चालू करो, जोत चालू करो, जोत जलाया करें, वहाँ पर दिया वगैरह होता है, और ये अगरबत्ती को बंद करो। आपसे एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने 2-3 जगह देखा है, पंडित जी भी चढ़ा देते हैं इसको, ये सोचते नहीं है कि जो है जो अगरबत्ती है उसमें से जहरीला धुआं निकलता है, और हिंदू धर्म में अगरबत्ती को जलाना निषेध होता है, क्योंकि वो बांस से बना हुआ होता है, और बांस को जलाना हिंदू धर्म में पाप होता है, क्योंकि वो विष्णु जी का वास होता है उसमें, तो बांस को कभी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन मजारों पे तो देखा था, लेकिन अब यहाँ पर भी ऐसा मंदिरों में भी होने लग गया, तो इन भैया को मैंने बोला है, शायद इनको समझ में आए। और एक मंदिर में गए थे, पहला मंदिर कौन सा था जब गए थे हम, जटाशंकर में भी मैंने पंडित जी से ये चीज़ बोली थी कि अगरबत्ती को ना जलाया करें, तो गलती से मेरी थैली में भी अगरबत्ती थी, उन्होंने जला दी थी, तो उनको मैंने मना करा था कि आगे से ऐसे ना जलाया करें, और आप बोला करें भक्तों को कि आप अगरबत्ती लेके आएँ। पंडित जी ने आश्वासन दिया था इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। आपकी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और हम प्रवेश द्वार पर पहुँच गए, ये देखो प्रवेश। अब हमने मंदिर में प्रवेश कर दिया, ये हमारे महाराज जी ने बड़ी मेहनत करी है, थक गए हैं काफ़ी, खुश भी हैं। तो आपके साथ जो डोग आए थे कहाँ, वो यहीं छोड़ के चले गए क्या हमें, अच्छा गेट पे छोड़ के चले गए हमें, चलो देखते क्या पता आगे मिल जाए। हर हर महादेव। भी अगरबत्ती है, सब अगरबत्ती है, और धूपबत्ती नहीं रखते, ऐसा क्यों, वैसे धूपबत्ती ज़्यादा अच्छा रहता चढ़ाना, तो अंदर पुजारी चढ़ा देंगे इनको, पुजारी को देंगे चढ़ाएंगे, देखा जाए हर जगह यही है, धूपबत्ती नहीं मिलेगी आपको, अगरबत्ती मिलेगी, लेकिन अगरबत्ती चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बांस की बनी हुई होती है, और विष्णु जी का वास होता है बांस में। और मेन मंदिर हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाय गाइस, हम चोरेश्वर मंदिर में पहुंच गए हैं, और करीब हमें 4 किलोमीटर की चढ़ाई करी है, और यहाँ पर आके हमें काफ़ी सुकून मिला है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, वेदर देखो, और ये विशाल त्रिशूल का जो झंडा है, जहाँ पर शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ा था, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिशूल अपना छोड़ना हो छोड़ सकते हैं, जिससे अपनी मनोकामना मांगते हैं, कुछ अपनी मनोकामना पूरा होने के बाद त्रिशूल को छोड़ते हैं। डम कर कर डमरू बजाऊं, गुफा बीच मेरा है डेरारी, अभी मान जाए गोरा, मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खक्कड़ माला गले पड़ी, तू तो देख इस डर जावेगी, मेरे संग तू क्या पावे, कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कमर राजा का ढूंढ, तो रानी बन के बैठ मैं, अरी समझ जाए गोरारी, हां मान जाए गोरारी, कड़ बम 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 शंकर शंभू महादेव, शिव शंकर शंभू जटाजू का हर शंकर।
छोटा सा कुंड है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ के लोग इसी में से पानी ले इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी बोतल को भर लेते हैं। ये देखो आपको छोटा करके दिखाता हूँ कि कितना छोटा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हमें किसी ने कहा था कि यहाँ से पानी भरने के लिए, पर हमें पता ही नहीं चला। हम सोचे ये बूंद बूंद से हम कब तक पानी भरेंगे, लेकिन ये जो छोटा सा कुंड है ये इसमें से हमें पानी भरना था। पर ये तो उसने बताना चाहिए था ना, हाँ तो ये चीज़ कहनी चाहिए थी ना इस तरीके से। चलो हर हर महादेव। ये है नेचुरल पानी, शुद्ध बिल्कुल, जड़ी बूटियों से तैयार, से बीमारियां भी खत्म होती है। ये देखो पहाड़ों से कैसे पानी किस तरीके से टपक रहा है, ये हमेशा टपकता रहता है। ये पत्थर के अंदर जो पानी है वो उसके अंदर से निकल रहा है, अभी कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं पता। हर हर महादेव। गाइस फाइनली हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं जहाँ से हमने मेन द्वार से स्टार्ट करा था, और काफ़ी थकान हो गई है लेकिन मन को बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि हमने अपनी यात्रा को पूरा किया, भोले बाबा के दर्शन करें। और जिसे जो भी आए ना तो एक दिन पूरा इसी चीज़ के लिए ले चोरागढ़ जरूर आए, क्योंकि यहाँ पूरा दिन मान के चलो, अगर आपको हैबिट नहीं है ज़्यादा चलने की तो पूरा दिन मान के चलो यहाँ पर आपके बड़ा मंदिर और गुप्तेश्वर मंदिर और तीसरा ये चोरागढ़, ये आपके तीनों मंदिर बिल्कुल साथ साथ हैं और ये आपके एक दिन में बड़े आराम से हो जाएंगे, आपको बर्डन नहीं रहेगा, भागा दौड़ी नहीं रहेगी। तो आप एक दिन आप इसके लिए जरूर रखें, क्योंकि मन को आपको संतुष्टि मिलेगी इससे, लेकिन आपको अधूरापन लगेगा अगर आपने ये नहीं करा। तो बहुत अच्छा लगा, जय श्री शंभू। पंचमढ़ी में आज हमारा डे 4 है जो हमने जंगल सफारी के लिए रखा था, लेकिन अभी जंगल सफारी बंद है जो 2-3 दिन बाद शुरू हो सकता है। अगर जंगल सफारी शुरू भी होता तो शायद हम ना करते, क्योंकि 1-2% ही चांस होता है कि वहाँ कोई बड़ा जानवर दिखे। आज हमारी वापसी की ट्रेन पिपरिया स्टेशन से 8:10 की है, अभी भी हमारे पास पंचमढ़ी घूमने के लिए कई पॉइंट है जैसे ग्रीन वैली, राजेंद्र गिरी, प्रियदर्शनी वगैरह वगैरह, लेकिन यकीन मानिए चोरागढ़ जाने के बाद ये सभी जगहों पर जाना टाइम वेस्ट है, इसलिए हम आज देर रात तक सोएंगे और 12 बजे होटल से चेकआउट कर लेंगे और अपना सामान होटल लॉकर में ही जमा करके मार्केट में घूमने जाएंगे। वापसी में हम अपने 2 पॉइंट अंबामाई टेम्पल और बेगम पैलेस से घूमते हुए अपने स्टेशन की तरफ पहुँचेंगे। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोर संहारः सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कराय अंड ब्रह्मांड कोटि सारा यज्ञ यज्ञो मया ने
ये देखो ऐसा लग रहा है खेती और रखी है जमीन के ऊपर, मतलब रोड के ऊपर ये इतनी घास रखी है, खेती कर सकते हैं आप, आपको टमाटर सब्जी सब मिलेगा यहाँ पे खेती करके ना। ये देखो गाइस कितनी खेती हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ये जाने का, बाकी पूरी पूरी साइडों पे खेती हो रही है, ये रास्ता भी से पानी डालने के लिए है, बाकी खेती है यहाँ पे, दूसरी साइड भी देखो कितनी खेती हो रही है, खेती खेती लोगों ने अपने नाम लिखा। ये देखो बस ये छोटी सी जगह खाली है, बाकी चल देखते हैं रुद्र आना यहाँ से आगे से व्यू, लेट्स सी द व्यू। कालत्रि कालनेत्रत्रि नेत्रशूलत्रि शूलगात्रम् दिल्ली से पंचमणि और पंचमणि से वापसी दिल्ली का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा और हमने अपना ये जो तीन चार दिन का समय है काफ़ी अच्छे से बिताया और काफ़ी एंजॉय करा। आशा है आप भी समझ गए होंगे कि ये तीन चार दिन पंचमणि को कैसे घुमा जाए, किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करा जाए और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम सकते हैं और किस तरह से अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारा सफ़र अच्छा लगा होगा, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। आप एक काम और कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और कर दीजिए। जय श्री राम, जय महादेव।